नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवारों की पहली सूची बीजेपी की तरफ से कभी भी जारी की जा सकती है, क्योंकि पार्टी की तरफ से इसके लिए कोई डेट या टाइम अभी तक नहीं बताया गया है। सामान्य तौर पर बीजेपी में परंपरा ये देखी गई है और लगभग 20-21 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाती है तो उसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देती है, क्योंकि बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार केंद्रीय चुनाव समिति के पास ही है। और केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक बीजेपी में हुई 2 दिन पहले और 3:15 भोर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारों के नाम पर पूरी टीम के साथ विचार करते रहे। और बीजेपी में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है उसके पहले राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक हो जाती है, फिर बीजेपी के राष्ट्रीय कोर ग्रुप की बैठक होती है, फिर राज्य और राष्ट्रीय कोर ग्रुप की एक साथ बैठक होती है, उसमें जो नाम छांटे जाते हैं वही केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाता है और फिर इसको तय कर दिया जाता है और तय होने के बाद ऐलान हो जाता है। लेकिन हैरानी इस बात की हो रही है और राजनीतिक तौर पर चर्चा इसको लेकर बहुत तेज है और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर वजह क्या है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम तय होने के बावजूद अभी तक बीजेपी ने उनका ऐलान नहीं किया है। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं, जो बैठक हो रही थी या बैठक जब समाप्त हुई तो जो जानकारी आई कि लगभग 155 नामों की फेहरिस्त यानी सूची बीजेपी तैयार कर चुकी है और उसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं, बड़े केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी उसमें हैं। साथ ही उन सीटों पर उम्मीदवारों के उतारने का फैसला किया गया जो जिन सीटों पर बीजेपी 2019 में चुनाव हार गई थी और जिन सीटों पर बीजेपी 2014 में भी चुनाव हार गई थी। श्रेणी के हिसाब से सीटों को बीजेपी बांट रखी है तो सी और डी श्रेणी की सीटों की घोषणा बीजेपी कर सकती है, लेकिन अभी तक घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है तो इसको लेकर के कई तरह की राजनीतिक चर्चा भी तेज हो चली है। हालांकि पार्टी के जो सूत्र हैं वो उनका ये कहना है कि कई वजह हैं जिसकी वजह से अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी होल्ड कर दिया गया यानी लिस्ट को जारी नहीं किया गया। पहली जो बात सामने आ रही है वो है कि जो जिन दलों के साथ बीजेपी का गठबंधन है यानी जो एनडीए के घटक दल हैं उन घटक दलों के साथ कुछ राज्यों में समस्या आ गई है, सीटों के बंटवारे को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर के। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ राज्य माने कुछ जगह सीट ऐसे हैं जिसको लेकर के पार्टी ने पहले अपनी स्थिति साफ कर दी थी कि वो बीजेपी के अपने सहयोगी दलों के लिए कितना कितना सीट किन किन राज्यों में छोड़ेगी, लेकिन कुछ समस्या आ गई है और ये वजह बताई जा रही है कि उसकी वजह से रोक दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है कि जब तक उसको ठीक न कर लिया जाए यानी फिर से गठबंधन के जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं उनके साथ बिल्कुल बात न बन जाए तब तक ऐलान न किया जाए। एक ये वजह मानी जा रही। दूसरी वजह जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इस बार कट रहे हैं यानी उनको टिकट नहीं मिल रहा है यानी इस बार वो उम्मीदवार नहीं बनाए जाएंगे, उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सारे मंत्री हैं। और 3 तारीख को यानी आने वाले 3 तारीख को मोदी सरकार के इस 5 साल के कार्यकाल का अंतिम मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, तो अगर उसके पहले पार्टी ऐलान अगर कर देती है और उन मंत्रियों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं होता है, उनके टिकट अगर काट दिए जाते हैं तो फिर ये गलत मैसेज जाएगा कि उनके नाम काट दिए गए, उनको पार्टी उम्मीदवार नहीं बना रही है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में वो बैठक करने जा रहे हैं, तो इससे छवि खराब होगी सरकार की भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी और पार्टी की भी। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि अब 3 तारीख के बाद हो सकता है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करे। और ये बात भी बताई जा रही है कि अगर 3 तारीख के पहले बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो उसमें से उन केंद्रीय मंत्रियों का नाम हटाया जाएगा ताकि पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हो जाए फिर उनके नाम का ऐलान पार्टी करे। इसके बाद एक और भी वजह पार्टी के सूत्र बता रहे हैं जिसकी वजह से अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो सका है, वो है कि जो दल हैं उनके साथ जो बातचीत का दौर चल रहा है, बीजेपी एक अलग रणनीति पर इस लोकसभा चुनाव में चल रही है। वो रणनीति है कि अपने प्रचार प्रसार को तो मजबूत करो, दुरुस्त करो, क्योंकि 370 सीट का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, तो बजाबता पार्टी दूसरे दलों में सेंध लगाने के लिए भी एक रणनीति बनाकर काम कर रही है। और केंद्र से लेकर के राज्य और जिले तक ज्वाइनिंग कमेटी पार्टी ने बना दी है,
कि दूसरे दल के नेताओं को, उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, अच्छे छवि के जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको बीजेपी के साथ जोड़ो, उनको बीजेपी ज्वाइन कराओ। अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके लिए भी रणनीति अलग है। तो अब जानकारी आ रही है, हालांकि बीजेपी में लगातार कांग्रेस से और दूसरे दलों के लोग पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लगातार वो सिलसिला जारी है। बीजेपी में राज्यों में भी ज्वाइनिंग हो रही है, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में भी ज्वाइनिंग हो रही है। तो अब ये भी बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं खास तौर पर, और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करना है। अब खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से वहां अब अपनी सरकार बचाने में जुटी हुई है और कांग्रेस के तमाम विधायक और बड़े नेता वहां बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, और इस बात की अटकलें तेज हैं कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो शायद ये एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि कुछ लोगों को ज्वाइन करना, अगर वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं यानी बीजेपी में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को फिर उन्हें सेट करना पड़ेगा, यानी उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस एडजस्ट, उनको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, अगर लिस्ट जारी हो जाएगी फिर जिसका नाम होगा उसको तो हटाया नहीं जा सकता। तो उस एडजस्टमेंट के लिए यानी उस व्यवस्था के लिए भी शायद इस टिकट के ऐलान को पार्टी ने होल्ड करके रखा है। तो ये मोटे मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि तीन बड़ी वजह दिखाई दे रही है कि एक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बावजूद, चूंकि मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, मंत्रियों के टिकट कटने वाले हैं, तो वो बैठक हो जाए तब ऐलान करो। दूसरे, जो गठबंधन दल के साथ जो समस्या वाली बात है, ये ज्यादा गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए, जो जानकारी मिली। साथ ही उत्तर प्रदेश के 16 अन्य सीट जहां पार्टी हार गई थी या बहुत कमजोर स्थिति पार्टी के, उसके नाम भी तय कर लिए गए। तो ये भी तय हो गया था कि जो सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है उनको कितनी कितनी सीटें दी जाएंगी, कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी, सहयोगी दलों के साथ बात भी हो चुकी थी, लेकिन एक कोई ना कोई समस्या आन खड़ी हुई है। हालांकि इस पर पार्टी ने पर्दा डाल के रखा है, यह बिल्कुल गोपनीय है कि वो उत्तर प्रदेश में समस्या है कि बिहार में है कि महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो दो प्रमुख दल थे एनसीपी और शिवसेना, उसको तो बीजेपी तोड़ चुकी है, लेकिन सीटों के समझौते में मामला फंस सकता है, लाजमी है, सामान्य सी बात है। क्योंकि सभी दलों की कोशिश होती है, क्षेत्रीय जो दल होते हैं, छोटे दल होते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा सीट लो, और बीजेपी की कोशिश होती है कि कम से कम सीट दो उनको और उनको अपने साथ रखो। तो महाराष्ट्र में भी समस्या हो सकती है, कर्नाटक में भी समस्या हो सकती है जेडीएस के साथ, क्योंकि जेडीएस के साथ हालांकि इनकी बात बन चुकी है, जो जानकारी आई थी कि जेडीएस के साथ सीटों के शेयरिंग को लेकर के व्यवस्था बन चुकी है, और तमिलनाडु में भी समस्या आ सकती है। तो हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि इन बातों को पार्टी ने गोपनीय रखा है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आखिर सीईसी की जब बैठक हो गई तो फिर सीटों का ऐलान बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। जब पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की जा रही है तो उनकी तरफ से इन बातों पर तो चर्चा नहीं हो रही है, न तो वो इन बातों की चर्चा कर रहे हैं, न स्वीकार कर रहे हैं। उनकी तरफ से एक आ जा रहा है कि जब 2019 में सीईसी की पहली बैठक हुई थी और पहली सूची आने वाली थी, तो उसका ऐलान खुद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था, और बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में यानी प्रेस वार्ता बुला करके उन्होंने पहली सूची का ऐलान किया था। तो इस बार भी उसी तरीके से होना है, और नड्डा अलग अलग राज्यों में कई पहले से उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, इस वजह से इसको रोका गया है कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ही ऐलान करेंगे एक बड़े प्रेस वार्ता में। तो जैसे ही उनको समय मिलेगा तो वो पार्टी के मुख्यालय में, जो बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ एक बड़े स्तर पर प्रेस वार्ता को बुलाएंगे और पहली सूची को जारी करेंगे। इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों को उसमें नाम होने वाले हैं, तो इसलिए पार्टी अध्यक्ष ही उसकी घोषणा करें, और चूंकि वो पहली सूची होगी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, इस वजह से श्री गणेश अच्छा हो, यानी पार्टी के अध्यक्ष ही उसकी घोषणा करें। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शुभ मुहूर्त का कोई इंतजार है। हालांकि कई नेताओं से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात करने की कोशिश की तो शुभ मुहूर्त वाली जो बात है उस पर बहुत ज्यादा गंभीरता लोगों ने नहीं दिखाई, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी कोई भी काम करे उसके लिए मुहूर्त जरूर देखती है, और शुभ मुहूर्त का इंतजार बीजेपी जरूर करती है। तो हो सकता है कि शुभ मुहूर्त का भी मामला हो, नड्डा को समय न मिल रहा हो, यह भी मामला हो, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान करना हो, वैसी स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष को भला समय क्यों न मिले। तो इस यही वजह है कि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी सीटों की घोषणा क्यों नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।